हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि हम व्हाट्सएप से मल्टीपल फाइल डाउनलोड कैसे करें। दोस्तों, अगर आपकी कोई शॉप है, ऑनलाइन वर्क करते हैं आप, और आपके पास व्हाट्सएप से कई सारे डॉक्यूमेंट आते हैं जिन्हें आपको प्रिंट करना पड़ता है, और जिनको प्रिंट करने में हमारा काफ़ी सारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है क्योंकि हमें उनको एक एक करके डाउनलोड करना पड़ता है। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि हम व्हाट्सएप से मल्टीपल फाइल डाउनलोड कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपना व्हाट्सएप ओपन कर लिया है और मेरे पास ये डॉक्यूमेंट हैं जो मुझे डाउनलोड करके प्रिंट करना है। तो दोस्तों, इनको एक एक करके डाउनलोड करना होता है तो हमें काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। मैनुअली हम इनको सेव भी कर सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में हमें काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। तो इस टाइम को बचाने के लिए दोस्तों, मैं आज आपको मल्टीपल फाइल डाउनलोड करना बताता हूँ। सिंपली जैसे कि जो भी फाइल हमें डाउनलोड करनी है तो हमें यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको ये दिख रहा है सिलेक्ट मैसेज, इसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट मैसेज करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी फाइल डाउनलोड कर ली है उनको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि हमें ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो डाउनलोड करना है तो हम सिंपली यहाँ टिक कर देंगे, और उसके बाद ये नीचे के भी जो भी डॉक्यूमेंट हैं ये सारे हमें डाउनलोड करने हैं, तो एक एक करके हम इन पर क्लिक कर देंगे। और ऊपर जो भी आपके पास और कई सारे जो भी डॉक्यूमेंट हैं जो आप चाहते हैं कि हमें डाउनलोड करना है और प्रिंट करना है, तो आप ऐसे टिक करके सिंपली यहाँ इस बटन पर क्लिक करेंगे तो एक जिप फाइल में आपके सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड होके आ जाएंगे। जैसे कि मैंने क्लिक कर दिया है, आप देख पाओगे कि यहाँ मेरी एक जिप फाइल व्हाट्सएप के नाम से बन चुकी है। इसको मैं सिंपली क्लिक करके ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद इन सभी डॉक्यूमेंट को हमें कॉपी कर लेना है, सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है, और कहीं भी हमें एक सेपरेट फोल्डर में इन्हें पेस्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने इनको यहाँ पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद आप चाहें तो इनको क्रॉप कर सकते हैं, फोटोशॉप में क्लियर करना चाहते हैं तो आप क्लियर भी कर सकते हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट थोड़े टेढ़े हैं या इनको क्रॉप करना है या ये काफ़ी प्रिंट में ब्लैक आ रहे हैं, तो मैंने इसके ऊपर ही भी एक वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।